To improve your knowledge of the markets, focus on three things: opening bell, closing bell, and the bell icon. वेलकम दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग सकुशल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस बार का वीकली मार्केट आउटलुक। सबसे पहले कोरोना वायरस पर अपडेट लेते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 27.15 मिलियन केसेस, मतलब करीब 3.25 करोड़ केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और अब तक 8,85,000 प्लस डेथ्स हो चुका है। अमेरिका में 6.4 मिलियन केसेस, मतलब 64 लाख केसेस और 1,92,000 डेथ्स हुए हैं। इस वीक इंडिया ने ब्राज़ील को ओवरटेक कर लिया है और अब दूसरे नंबर पर आ गया है। इंडिया में अब तक 41.6 लाख केसेस मिले हैं और 71,100 प्लस डेथ्स हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 90,000 प्लस नई केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं और इनकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है। स्टेट्स में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। टेस्ट्स की जो संख्या है, नंबर्स हैं, वो इंडिया में बढ़ने के कारण केसेस और आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है, जो एक अच्छी बात है। वैक्सीन्स पर लगातार काम चल रहा है लेकिन अभी तक कुछ ठोस नहीं हो पाया है। लास्ट वीक ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स में एक सेल ऑफ देखी गई, जहां डाउ जोन्स में 1.82%, S&P 500 में 2.3% और नैसडेक में 3.27% की गिरावट देखी गई। CBOE विक्स, जो वॉल स्ट्रीट का फियर इंडेक्स है, उसमें 34% की तेज़ी देखी गई, जो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स अब इस लेवल पर नर्वस हो रहे हैं और जो CBOE विक्स है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। US टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काफ़ी सेलिंग देखी गई लास्ट वीक। US डेटा फ्रंट पर जॉबलेस रेट 8.49% आया अगेंस्ट जुलाई में 10.2% से बेहतर था। यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं तो यूरोपियन मार्केट्स में भी हम लोगों ने गिरावट देखी। पिछले हफ्ते यूरो स्टॉक्स 51.66% की गिरावट थी, जर्मनी के डैक्स में 1.6% की गिरावट थी, फ्रांस के कैक 40 में 0.76% की गिरावट थी और ब्रिटेन के फुटसी में 2.76% की गिरावट देखी गई। एशियन मार्केट्स में भी गिरावट रही, चाइना के शंघाई कॉम्पोजिट में 1.42% और इंडिया के निफ्टी और सेंसेक्स में 2.69% और 2.81% की गिरावट देखी गई। एक एक्सेप्शन रहा, वो जापान का निक्के, जहां 1.41% की तेजी देखी गई। इंडिया के न्यूज़ फ्रंट पे लास्ट वीक फर्स्ट क्वार्टर GDP में 23.9% की कॉन्ट्रैक्शन देखी गई थी। इसके अलावा इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीशन था टेलीकॉम कंपनीज पे, वो मुख्य न्यूज़ थे। दो अच्छी खबरें ये रही कि इंडियन कंपनीज ने रिकॉर्ड $31 बिलियन अभी तक रेज किया है 2020 में, जिसमें रिलायंस ने अकेले $7 बिलियन रेज किया, जो एक रिकॉर्ड है। दूसरी अच्छी खबर ये रही कि इंडिया ग्लोबल इनोवेशन लिस्ट, जो कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं ग्लोबल इनोवेशन लिस्ट में, उसमें पहली बार इंडिया टॉप 50 लिस्ट में शामिल हुआ है। कमोडिटीज़ की बात करूं तो डॉलर टर्म्स में गोल्ड में 1.63% की गिरावट रही और वो $1,940 पर ट्रॉय आउंस के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं लंदन सिल्वर $27 पर ट्रेड कर रहा है, इसमें 1.8% की गिरावट देखी गई लास्ट वीक। तो गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग और डॉलर में रिकवरी के कारण बुलियन पैक में नरमी देखी हम लोगों ने। इंडिया जो वर्ल्ड का मेजर गोल्ड कंज्यूमर है, वहाँ फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब अप्रैल से जून तक में 74% ज्वेलरी डिमांड की गिरावट रही है। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक डेटा रिलीज किया है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में नरमी का रुख रहा। नाइमेक्स क्रूड $40 के नीचे ट्रेड कर रहा है, उसमें 7.45% की गिरावट थी लास्ट वीक। ओपेक के प्रोडक्शन बढ़ाने से और US चाइना ट्रेड टेंशन्स का असर हमें क्रूड ऑयल प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। रुपया अगेंस्ट द डॉलर साइडवेज रहा और वो 72.5 और 74 के बीच में ट्रेड करता दिख रहा है। FIIs की लास्ट वीक 3,800 करोड़ की सेलिंग देखी गई, वहीं DIIs की भी 1,089 करोड़ की सेलिंग ही थी लास्ट वीक। निफ्टी पुट कॉल रेशियो, जिसे PCR भी कहते हैं, उसके बारे में बोलूँ तो 1.16 है। कैलकुलेशन के लिए टोटल पुट और टोटल कॉल ऑप्शन का OI जो है वो लिया गया है, जो लास्ट वीक से काफ़ी घट गया है।
तो सितंबर मंथली सीरीज में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 11,500 के कॉल ऑप्शन में और 11,000 के पुट ऑप्शन में देखा जा रहा है। तो ये रेंज एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है 11,000 से 11,500 शॉर्ट टर्म में। जो इंडाइसेस हैं उसमें निफ्टी टेलीकॉम इंडेक्स वॉज द बेस्ट परफॉर्मर लास्ट वीक, अप 3.19% आफ्टर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी। वहीं निफ्टी बैंक इंडेक्स वॉज द वर्स्ट परफॉर्मर, डाउन 6.17%। इस हफ्ते ग्लोबल इवेंट्स में यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा और अगस्त का इन्फ्लेशन डेटा, यूरोजोन का अप्रैल और जून जीडीपी एस्टिमेट्स और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, इसके अलावा जापान का अप्रैल जून जीडीपी डेटा और चाइना का अगस्त का इन्फ्लेशन और अगस्त का ही बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटा रिलीज होगा। तो ये मुख्य जो इवेंट्स हैं वो हैं। इंडिया की बात करें तो 11 सितंबर को जुलाई का इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग डेटा रिलीज होगा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में 10 सितंबर को इंटरेस्ट रेट वेवर पर सुनवाई है, जिसका असर बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स पर पड़ सकता है। जिनकी कंपनियों के अप्रैल जून क्वार्टर अर्निंग्स के रिजल्ट्स रिलीज होंगे इस हफ्ते, उनमें BHEL, IR, CTC और GIC मुख्य हैं। आने वाले हफ्ते में यदि मार्केट आउटलुक की बात करूँ तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स, इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन इंटरेस्ट रेट वेवर, US लॉ मेकर्स जो हैं उनका स्टिमुलस पैकेज पर प्रोग्रेस, क्योंकि वहाँ जो है एक डेडलॉक हो चुका है, और इसके अलावा US फेडरल रिजर्व की 16 सितंबर की एक मीटिंग है, तो इन सब बातों पर मार्केट्स का ध्यान रहेगा। निफ्टी की बात करूँ तो जैपनीज कैंडलस्टिक्स के हिसाब से बेरिश पैटर्न, जिसे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, वो वीकली चार्ट्स पर बना है, जिसका मतलब ये है कि 11,750 11,850 ऊपर का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। वहीं सपोर्ट 11,200 और उसके नीचे 11,050 पर देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो है वो 22,400 पर है और उसके नीचे 21,500 पर है। वहीं रेजिस्टेंस 23,600 और उसके ऊपर 24,200 पर है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर एंड स्टे सेफ, जल्द मिलते हैं, थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.